चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि फेजर डायग्राम क्या होता है। अब फेजर में मैंने बताया था दे आर द टू क्वांटिटीज आई और वी, करंट और वोल्टेज। वो कौन सी क्वांटिटी है? वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है कि नहीं? बिल्कुल। अब हमको जब हमारे पास एक फेजर हो, दो फेजर हो, तीन फेजर हो, तब इनके लिए यदि हमारे पास दो फेजर हैं तो हम सर उनको कैसे ऐड करेंगे, सर कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं, तो और कैसे उसको एडिशन करेंगे, कैसे उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, सर ये भी समझ में आए, कैसे उसको जोड़ना है दो फेजर को और कैसे उसको घटाना है। तो सर इसके लिए एक मैथड है एडिशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी, और मैथड्स मैंने यहाँ लिख दी है। ये मैथड्स, दो मैथड यहाँ पर इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हुई है। पहला है पैरेललोग्राम मैथड और दूसरा है मेथड्स ऑफ कंपोनेंट। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है वो मैं समझाने वाला हूँ, आप समझिएगा, बहुत सिंपल है। सपोज वी आर हैविंग अ थ्री करंट IR, I1 एंड I2। बेटा IR का मतलब क्या है? बेटा R का मतलब है रिजल्टेंट। मैंने लिखा है कि एक करंट है आपका, मेन करंट है आपका IR, विच यू हैव टू फाइंड आउट, जिसको आपको निकालना है। और यहाँ से दो करंट निकले हुए हैं I1 और I2। तो I1 I2 क्या है बेटा? इसके सब करंट है। क्या है? सब करंट है। अब वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है? सर करंट है। तो फेजर भी करंट में ही बनेगा, जो भी वेरिएबल होगा। हमेशा याद रखना, फेजर ऑलवेज ड्रॉज इन द वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल वोल्टेज है तो वेरिएबल में अपन वोल्टेज में जाएंगे, यदि वेरिएबल करंट है तो करंट में जाएंगे। अब तो वेरिएबल क्वांटिटी हमारी यहाँ पर करंट है, तो करंट में ही हमको काम करना है। अब फेजर कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम मेथड से। देखिए मैं पैरेललोग्राम मेथड पहले बताने वाला हूँ आपको, और इससे कैसे उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं वो समझिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए मेरे फॉर एग्जांपल, मेरे पास करंट कौन सा है सर निकालने के लिए? सर IR है। पैरेललोग्राम तो आपने समझा, देखा होगा कैसा बनता है, कुछ इस तरह बनता है पैरेललोग्राम, जो कि आपने अपने 10th to 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऐसे ही बनता है ना, कुछ इस तरह दिखता है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। अब ये बनेगा कैसे सर? इसको बनाना कैसे है सर? यही तो क्वालिटी है सर, यही तो काम सीखना है हमको कि हम पैरेललोग्राम मेथड को कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास करंट कितने हैं सर? एक ही करंट है, मुझे एक दिख रहा है, और उसके ये सब करंट है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम मुझे बनाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक करंट आपको ड्रॉ किया, और ये करंट मेरा I1 का एक सब करंट होगा, उसको मैं लिख लेता हूँ IM1। ये मेरा एक करंट हो गया IM1। क्लियर? क्लियर है, बहुत क्लियर है। चलिए ये मेरा 0 पॉइंट हो गया, और ये मेरा हो गया A। मैंने इसको A पॉइंट दे दिया, क्या सकता होगा? बिल्कुल। अब दूसरा करंट है, ये मेरा I2 है। यदि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि I2 इज लीडिंग बाय I1, I1 से वो लीड कर रहा है, तो जल्दी बताओ कैसे बनेगा भैया? क्या बनेगा? लीड कर रहा मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैंने बता दिया सर ये I2 मेरा कुछ यहाँ होगा, तो मैंने इसको ले लिया IM2। क्लियर? अब मुझे एक चीज बताइए, बहुत सिंपल है, मुझे एक चीज बताइए कि बेटा इसका जो डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप जब बनाते थे पैरेललोग्राम, तो सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू मेंटेन दिस 3 सेंटीमीटर एज वेल। यहाँ भी आपको 3 सेंटीमीटर स्केल से लेना पड़ेगा, क्लियर है? क्योंकि आपने एक पोल करंट आपने लगा लिए, पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको बनाना है कौन सा करंट आपको निकालना है सर? IR निकालना है। क्या निकालना है? IR। और IR कैसे निकलेगा सर? IR ही तो निकालना है, यही तो निकालना है। इन दोनों करंट से आपको IR बनाना है। अब IR की वैल्यू निकालनी है सर, कैसे निकालेंगे? बड़ा टेंशन है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस करना क्या है कि सर यहाँ से इसके पैरेलल में एक रोलिंग स्केल रखिए, यहाँ पर लाइए, और इसके पैरेलल में सर एक लाइन खींच दीजिए, कुछ इस तरह ये लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल लाइन खींच दीजिए, पैरेलल लाइन खींच गई, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं। अब आपको इसके पैरेलल में यहाँ रोलिंग स्केल रखिए, और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा ना। तो ये है क्या? दिस इज द रिजल्टेंट।
बेटा यही तो है आपका आर करेंट, ये कौन सा है आपका आर, बस ये बन गया आपका आई आर, ये क्या बन गया बेटा आई आर। अब स्मॉल यहाँ पर है तो मैंने बेटा अभी इसको कैपिटल ले लेना है, ठीक है वो बताऊंगा मैंने क्यों लिया है। तो ये आई आर मेरा कैपिटल हो गया, ये क्लियर है, ये भी मैं कैपिटल क्वांटिटी ले लेता हूँ और वो भी मैं कैपिटल क्वांटिटी ले रहा हूँ, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला था कि व्हेन दिस आई एम दिस करंट इज लीडिंग बाय दिस करंट एंगल ऑफ थीटा, मैंने इसको थीटा से लीड करवाया है, ठीक है तो यहां पर भी तो कोई एंगल लगना पड़ेगा ना सर, तो मैंने मान लिया सर यहां पर एंगल मेरा फाइव है, ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया क्लियर है। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और बढ़ाते हैं, ज्योमेट्री को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बेटा करा क्या है, कुछ नहीं करना, इसको आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दीजिए, बस ये एक्सटेंड कर दीजिए, ये जो पॉइंट मिला है आपको इस पॉइंट को हम इसको बी मान लेते हैं क्योंकि ये मेरा ये हो गया और इसको मैंने मान लिया सी। अब यहाँ पर बस क्या करना है आपको सर, ये करना है सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है, लंब खींचना है और जिस पॉइंट पर ये अटैच होगा सर इसको मैंने लिख दिया सर डी, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब देखिए ये एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा ये एंगल क्या होगा। देखिए भैया ये लाइन जो खींची है वो किसके पैरेलल में इसके है, तो ये एंगल क्या होगा सर, ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, ज्योमेट्री क्या कहती है, ज्योमेट्री सर यही कहती है ना। आप मुझे ज्योमेट्री के थोड़े से पीछे चले जाओ, अब देखो ज्योमेट्री से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है सर, ये निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल बहुत सर कैसे निकालेंगे सर, बहुत कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आप सबसे पहले तो मुझे बताओ आई वन की वैल्यू क्या होगी सर, मैं आई वन की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ सर, आई वन क्या होगा, आई वन क्या होगा सर, यहाँ पर जो करंट है आई एम वन साइन, कौन सा एंगल आएगा जल्दी बताओ सर, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये आपका आई एम वन हो गया सर। आई एम टू क्या होगा सर, दैट इज आई टू सॉरी, तो ये क्या होगा आई एम टू साइन, सर ये कितने एंगल से डिस्प्लेस हो रहा है सर, थीटा से हो रहा है सर, ओमेगा टी लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है सर, लीड कर रहा है, लीड कर रहा है, तो मैंने सर थीटा लगा दिया प्लस थीटा, तो मेरा ये आई टू हो गया, तो आई वन आई टू की वैल्यू आ गई। सबसे पहले मैंने आई वन आई टू निकाल लिया। अब सर प्रश्न आता है सर जी आई आर कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है बच्चे, आई आर निकालने के लिए फाइव पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इस फाइव को निकालना कैसे निकालेंगे सर, सर मुझे एक चीज बताओ आई किसके इक्वल है सर, आई आर है इक्वल किसके, आई सी ओ सी के, है कि नहीं, इस ओ सी के इक्वल है ना, बिल्कुल है। अब देखो आई आर इक्वल टू मैं ओ सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है। अब ओसी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है मुझे ओसी, अब ओसी किसके इक्वल होगा, ओसी किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ, ये मेरा यदि राइट एंगल है, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का मेरा यदि राइट एंगल है, तो ओसी पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, जल्दी बताओ, यस याद है, तो क्या कहता था पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलता था भैया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, यही तो है बेस का स्क्वायर। अब हिंदी में बोलूं तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सर यही था। तो लंब क्या है सर, सीडी है, क्या है सर, सीडी है, तो आईसी ओसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सीडी का स्क्वायर प्लस क्या है सर, ये ओडी का स्क्वायर, यही तो है, बिल्कुल है ना सर। हाँ ये थी मेरे पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको और मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूँ सर, ये ओसी को मैं रहने देता हूँ और अंडर रूट साइन लगा देता हूँ। अब सीडी का वैल्यू क्या है, कौन बताएगा मुझे जल्दी बताओ, इस सीडी का वैल्यू क्या होगा, ये सीडी क्या है जल्दी बताओ, कौन बताएगा सीडी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हाउ आई कैन फाइंड आउट द सीडी, सीडी कैसे निकलेगी। बेटा एक चीज बताओ, ये कौन सा है सर आई एम है, ये कौन सा है आई एम है, तो ये कौन सा होगा सर आई एम कॉस ओमेगा, ये कौन सा करंट है, करंट कौन सा है, ये कौन सा करंट है हमारा, आई एम टू करंट है बिल्कुल मानते हो सर। थीटा क्या है सर, टेन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, रिफ्लेक्शन क्या है सर, यहाँ पर आई एम टू है, इसका ध्यान रखना बस, ये आई एम टू है, तो यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा आई एम टू कॉस थीटा और ये क्या बनेगा आई एम टू साइन थीटा, तभी तो ये निकलेगा अपना, यही तो निकलेगा ना भाई। तो अब देखो मुझे, अब बिल्कुल देखना, सी डी क्या है, सी डी मेरा क्या है आई एम टू साइन थीटा, आई एम टू साइन थीटा मैंने सर यहाँ लिख लिया, समझ में आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल। चलिए तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ नहीं करना है।
आई एम टू साइन थीटा का स्क्वायर लगा लिया प्लस, अब ओडी किसके इक्वल है सर? सर ओडी ओ से ए से डी, तो ओडी इक्वल है सर ओ ए प्लस ए डी के, ये इसके इक्वल है सर ओडी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या हो जाएगा सर, आपका आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ ए क्या है सर, ओ है आई एम वन, तो आई एम वन का आई एम वन प्लस सर ए डी क्या है, ए डी क्या है सर आई एम टू का स्क्वायर, आई एम टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर सर ये बनेगा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर से आप खोल दीजिए इसको, जब इसको ओपन करेंगे तो सर क्या निकलेगा, सर ये निकलेगा सर, जब आप ओसी लिखेंगे तो ओसी सर आपका ये आएगा। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वही आंसर आने वाला है, आई एम वन स्क्वायर प्लस आई एम टू स्क्वायर प्लस टू आई एम वन आई एम टू कॉस थीटा, ये आएगा बस आपका आंसर। अब ओसी आपका निकल के आ गया, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या निकाला, अब आई आर अपन को निकाल लिया, आई आर कैसे लिखा मैंने, आई आर क्या था हमारा, ओसी के इक्वल था, ओसी लिख दिया अंडर रूट, इसको मैं ओपन करूंगा बेटा आपका ये वैल्यू आ जाएगा, मैंने लिख दिया है, आप सॉल्व करके देखेंगे यही वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है सर, मुझे स्मॉल आई आर निकालना है, ये कैपिटल था यहाँ मैंने मैं बनाया था डायग्राम में, आपने देखा होगा स्मॉल आई आर रिजल्टेंट था, मेरे से निकालना है, मुझे निकालना है सर स्मॉल आई आर। अब ये कैसे निकालूंगा सर, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए मुझे टेन फाइव निकालना पड़ेगा, यहाँ का फाइव देखिए टेन फाइव कैसे निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, टेन फाइव एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, ओ सी डी ट्रायंगल कौन सा है, ओ सी डी में देखिएगा कैसे निकलेगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार, लंब कितना है सर सी डी है, बेस कितना है सर जीरो ए प्लस ए डी, ठीक है ये आपका हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर बस आपको वैल्यू पुट करना है, यदि आपको ये वैल्यू पुट करना है तो कैसे करेंगे सर, ये हो जाएगा आई एम टू साइन थीटा अपॉन, आई एम टू साइन थीटा था मैंने ऊपर लिख दिया, ओ ए कितना है सर, सर आई एम वन प्लस आई एम टू कॉस थीटा, सर ये आ गया, ये है आपका टेन फाइव, टेन फाइव मतलब यदि आप उसका फाइव निकालेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ दिस ये निकाल सकते हैं। बस अब आपको निकालना क्या सर, आई आर निकालना है, तो आई आर कैसे लिखते हैं सर, आई आर इक्वल टू कैपिटल आई आर, निकाला ना कैपिटल आई आर, निकाला बिल्कुल निकाला, तो कैपिटल आई आर हो गया साइन। अब मुझे बताओ ये आई आर जो करंट है वो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, जल्दी बताओ सर, इस रिफरेंस के ऊपर बनाए ना ये, तो क्या करेगा लैग करेगा ये लीड करेगा, जल्दी बताओ सर ये लीड करेगा, जब ये लीड करेगा तो किस एंगल से लीड करेगा सर, फाइव एंगल से, जो हमने यहां पर निकाला है, तो यहाँ पर हो गया सर ओमेगा टी प्लस फाइव, उधर मैंने थीटा लिखा है इधर फाइव लिखा है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, दोनों के एंगल अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मुझे फाइव निकालना पड़ेगा, मुझे थीटा तो पता ही था, ये थीटा पता होता तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता, यहाँ पर मुझे फाइव निकालना पड़ा, ये बात मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गई है। अब यदि इनके कैसे उसको सॉल्व करते हैं और भी सारी चीजें हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बस लिखते जाइए, वीडियो के संग चलती रहिए, और सब क्लास जो है ना बहुत अच्छी तरह चलने वाली है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली। एडिशन करना है कैसे करना है, पैरेललोग्राम में कैसे जाना है, ये कैसा सॉल्यूशन करना है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, और भी चीज़ें आपको देखिए, मैं आपको और चीज़ें इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि आपको इसमें निकालना है तो यदि आपको करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिएगा आपने, ये आपका जो डायग्राम है इसमें आपने आई एम निकाल लिया, आई एम टू निकाल लिया, अब आई एम टू निकालने के बाद में आपका आई वन आई टू आ जाएगा, लास्ट में आपने आई आर निकाला, कैपिटल आई आर और आपका स्मॉल आई आर आ जाएगा, ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं फिर देखते हैं।